शुभं करोतु कल्याणं आरोग्यं सुख संपदां शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपज्योतिर्नमोस्तुते साज्यं वर्ति संयुक्तं बनहीनायोजितं शुभं सिद्धार्थं सर्वकार्योयं मंगलदीपं नमामिहं अस्तु मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय तमसो। मुझे उनके साथ काम करने का मौका मिला है। कुछ बातें दो तीन बहुत संक्षेप में, क्योंकि समय नहीं है, मैं जरूर आपसे शेयर करना चाहूँगा। मैंने उनके अंदर एक योद्धा देखा है भ्रष्टाचार से लड़ने का, भ्रष्टाचारियों को दंड देने का। इसका अंदाजा इस बात से आप लगा सकते हैं कि हमने जब भी कोई पत्रावली उनको भेजी भ्रष्टाचार की और भ्रष्टाचारियों के खिलाफ काम करने की, और अगर उसमें दो तीन विकल्प दिए तो उन्होंने हमेशा वो विकल्प अनुमोदित किया जो कठोरतम था। और मैं आप लोगों से ये अनुरोध करूंगा कि इस प्रदेश को ऐसे ही योद्धा की जरूरत है वर्तमान परिस्थितियों में, तभी इस प्रदेश के निवासियों का, वासियों का कल्याण हो सकता है। आप सब लोग खड़े होकर उनका अभिवादन करें। एक अन्य बात जो उनके अंदर है वो है किस प्रकार से गरीब और पिछड़े व्यक्तियों का, नागरिकों का विकास किया जाए, चाहे वो किसान ऋण मोचन योजना हो, चाहे पीएम किसान योजना हो, चाहे वो पेंशन की योजनाएं हो, चाहे वो आवासीन व्यक्तियों को आवास दिलाने की योजना हो, चाहे वो वन टांगियों को मुख्य धारा में जोड़ने की बात हो। हर बैठक में जब भी कोई उनसे चर्चा हुई, उन्होंने उनकी सोच में ये बात झलकी कि कैसे मैं उस व्यक्ति तक पहुंचूं जिस तक आज तक कोई भी लाभ जिसको शासन की योजनाओं का नहीं मिला है। और इसी कड़ी में आप देख रहे होंगे कि काफ़ी समय से वो अलग अलग समूह के लोगों को बुलाकर, जो कि शासन की योजनाओं से दूर रहे अब तक, उनसे बात कर रहे हैं, उनकी समस्याओं को जान रहे हैं और उनकी समस्याओं का निराकरण करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। बेसिक शिक्षा से उनका लगाव बहुत ज़्यादा है, क्योंकि उनको मालूम है कि यही बच्चे आगे जाके हम सब लोगों की जगह ले जाने लेने वाले हैं। और अगर वो बच्चों की शिक्षा अच्छी हुई तो निश्चय ही प्रदेश को अग्रणी होने में और अग्रणी बनने में कोई रोक नहीं सकता। मैं सर आपको बताना चाहूँगा कि आपके आह्वान पर कायाकल्प के अंतर्गत विगत एक वर्ष में 1,00,000 से अधिक विद्यालयों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास हुआ है। और आज हमारे विद्यालय काफ़ी संख्या में किसी भी प्राइवेट विद्यालय से मुकाबला करने में सक्षम हैं, चाहे वो अवस्थापना हो, चाहे वो उनकी शिक्षा का स्तर हो। ये आप ही का आह्वान है, आप ही की प्रेरणा है, जिसकी वजह से शिक्षा विभाग ने इतनी प्रगति की है। सर मैं ये भी बताना चाहूँगा कि हमारे रसोइयों का भी हमारे बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास में बहुत बड़ा योगदान है। कितना स्वच्छ और पौष्टिक खाना ये बनाते हैं, कितने स्वच्छता से उनको खिलाते हैं, कैसे ये अपनी किचन की, रसोइये की हाइजीन मेंटेन करते हैं, इस सब से हमारे बच्चों का विकास जुड़ा हुआ है। और इस जिम्मेदारी को ये बखूबी निभा रहे हैं और आपके नेतृत्व में अपनी पूरी ताकत के साथ अपना कार्य करते रहेंगे।
मैं माननीय अध्यक्ष जी का भी हार्दिक स्वागत करता हूं। उन्होंने ही मुझे ये सूचना दी थी कि ये कार्यक्रम करना है। मैं एक बार उनका हृदय से आभारी हूं। मैं हमारी माननीय मंत्री जी का, जिनका हर रोज़ हर समय हमें नेतृत्व मिलता है, मार्गदर्शन मिलता है, मैं उनका भी हार्दिक स्वागत करता हूं और अपने माननीय राज्य मंत्री जी का भी हार्दिक अभिनंदन करता हूं, हार्दिक स्वागत करता हूं। और सबसे ज़्यादा स्वागत और अभिनंदन मैं आप सब लोगों का करता हूं कि आप लोग यहां पे आए। और मुझे उम्मीद है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वचन से आप लोग लाभान्वित होंगे और उसको अपने साथ उसमें से कुछ चीज़ें लेके जाएंगे जो सारी ज़िंदगी आपका गहना होंगी, आपका आभूषण होंगी। मैं एक बार पुनः यहाँ आए सभी महानुभावों का, अतिथिगणों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा। और इसके बाद मैं माननीय हमारी परम आदरणीय माननीय राज्य मंत्री बेसिक शिक्षा स्वतंत्र प्रभार हमारे बीच में मौजूद हैं श्रीमती अनुपमा जायसवाल जी, मैं उनसे निवेदन करूंगी कि वो भी हम लोगों को अपना आशीर्वाद दें। अनुपमा जी ने भरा कुछ इतना विश्वास, अपनेपन का है सभी बच्चों को आभास, अपनेपन का है सभी बच्चों को। कुरुक्षेत्र में खड़े पार्थ को मैं समझाने निकला, कुरुक्षेत्र में खड़े पार्थ को मैं समझाने निकला हूँ, घायल पड़े जटायु को मैं गोद उठाने निकला हूँ। मैं निकला हूँ शबरी की कुटिया में दीप जलाने को, पत्थर पड़ी अहिल्या को सम्मान दिलाने निकला हूँ। इन्हीं पंक्तियों को चरितार्थ करते हुए उत्तर प्रदेश की हमारी समस्त रसोइयों के मान संवर्धन करने के लिए आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि यशस्वी मुख्यमंत्री परम आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी, हम सबको जिनका सदैव मार्गदर्शन मिलता रहता है, बड़ी कुशलता से उन्होंने सरकार और संगठन दोनों में अपनी भूमिका का निर्वहन किया है, ऐसे उत्तर प्रदेश भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और सांसद परम आदरणीय श्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे जी, माननीय राज्य मंत्री श्री संदीप सिंह जी, अपर मुख्य सचिव श्रीमान डॉक्टर प्रभात कुमार जी, निदेशक मिड डे मील श्रीमान अब्दुल शमद जी, सम्मानित मीडिया के बंधुओं और यहाँ पर आई हुई समस्त रसोइये बहनें, और साथ ही साथ बेसिक शिक्षा विभाग के इस कार्यक्रम को यादगार बनाने के लिए जिन्होंने कई दिनों से अपनी भूमिका का निर्वहन कुशल रूप से किया है, ऐसे समस्त अधिकारी बंधुओं आप सबका आज इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, नमन करती हूँ, वंदन करती हूँ। उत्तर प्रदेश का बेसिक शिक्षा विभाग माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में 6 से 14 वर्ष के बच्चों को गुणवत्ता परक शिक्षा देने के लिए वचनबद्ध है। शिक्षित बच्चे, सभ्य समाज और उन्नत राष्ट्र, ये तीनों ही आपस में मिली जुली कड़ियाँ हैं। एक के बगैर दूसरे की कल्पना नहीं की जा सकती। लेकिन मुझे बहुत प्रसन्नता है कि मुझे उत्तर प्रदेश में एक ऐसे विभाग का दायित्व निर्वहन करने का अवसर माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रदान किया जो छोटे बच्चों से जुड़ा हुआ था। और सबसे बड़ी बात है, मेरी भूमिका उसमें ठीक से चल रही है या नहीं, इसके ऊपर भी निरंतर उनकी दृष्टि और उनका स्नेहिल मार्गदर्शन प्राप्त होता है, ये और भी उसमें सौभाग्य की बात है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 28 नवंबर 2001 को दिए गए निर्देश के क्रम में सरकार और प्रदेश सरकार के समवेत प्रयासों से 1 सितंबर 2004 से विद्यालयों में पका पकाया भोजन उपलब्ध कराने हेतु मध्याह्न योजना आरंभ की गई थी। योजना से आच्छादित विद्यालयों में कक्षा 1 से 8 तक के छात्र छात्राओं को पौष्टिक गुणवत्तापरक भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। विद्यालय में सभी जाति एवं धर्म के छात्र छात्राओं को एक साथ एक स्थान पर भोजन उपलब्ध कराकर उनके मध्य सामाजिक सौहार्द, एकता और परस्पर भाईचारे की भावना को भी विकसित करने का एक अनूठा प्रयास किया जा रहा है। और निश्चित रूप से आज इस बात की ज़रूरत भी है, हम विद्यालय में ही उस वातावरण को देखते हैं जब हम विभिन्न जाति वर्ग बिरादरी के होने के बाद भी एक साथ बैठकर
एक जैसी शिक्षा व्यवस्था सुनिश्चित हो, ऐसा आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने प्रयास करने का भी काम किया है। और मुझे उनके उन प्रयास में ये दो पंक्तियाँ याद आती हैं कि मंदिर में दाना चुग कर चिड़िया मस्जिद में पानी पीती है, मैंने सुना कोई सलमा बेगम राधा की चुनरी सीती है। और इसी का दिग्दर्शन कराने का हम सब लोगों ने विद्यालयों में प्रयास किया है। योजना अंतर्गत प्रदेश में 168,832 प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 1,76,76,00,000 छात्र आच्छादित हैं, जो देश में सर्वाधिक हैं। और जितनी हमारे बच्चों की संख्या है, इतनी कई कई देशों की आबादी भी नहीं हुआ करती है। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री ने इनको जिस तरीके से संभाला है, वो अपने आप में सराहनीय है। प्रदेश में मध्याह्न भोजन योजना अंतर्गत करीब 4,00,000 रसोइयाँ कार्यरत हैं, जिसमें से अधिकतर महिलाएं हैं। और मुझे प्रसन्नता है, ये पूरा हाल महिला रसोइयों से भरा हुआ है। कल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है 8 मार्च को, और आज एक दिन पूर्व ही आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने इस कार्यक्रम के आयोजन से इन रसोइयों के बीच आकर उनका संवर्धन करते हुए, उनका प्रेरणा प्रक उनका साथ निभाते हुए एक बार महिला सशक्तिकरण की दिशा में भी एक ऐतिहासिक कीर्तिमान आज स्थापित करने का काम किया। ये रसोइये एक यशोदा माँ की भूमिका में होते हैं, एक माँ जो घर से भोजन कराकर भेजती है, और फिर हमारी रसोइया बहनें जो स्कूल में बच्चों को बड़े प्यार से सफाई के साथ क्रमबद्ध तरीके से एक साथ बैठाकर उनको भोजन उपलब्ध कराने का काम करती हैं। मैं आप सबका भी बहुत स्वागत करती हूँ। प्रदेश में प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में संचालित मध्याह्न भोजन योजना का अनुश्रवण करने के लिए एक माँ समिति का भी गठन किया गया है, और जिसके अंतर्गत माँ अभियान समिति इनको ठीक से भोजन मिल रहा है कि नहीं, मेनू के अकॉर्डिंग मिल रहा है कि नहीं, जिस तरीके से जो शासन की मंशा है उसके अनुरूप भोजन परोसा जा रहा है कि नहीं, उनको यह माँ समिति देखने का काम करती है। प्रदेश में मध्याह्न योजना जनसहभागिता सुनिश्चित करने के लिए एक हेल्पलाइन सेवा भी उपलब्ध की गई है। समस्त विद्यालयों में अध्ययनरत 1,76,00,000 छात्र छात्राओं को गरम पका पकाया भोजन दिया जा रहा है, और परिषदीय विद्यालयों में रसोई गैस उपलब्ध कराने जाने की विचार प्रक्रिया भी विचाराधीन है। मैं जब व्यक्तिगत रूप से इन लोगों से मिलती थी तो इनकी दो शिकायतें होती थी, एक तो यह कि इनका मानदेय बहुत कम है, और दूसरा ये भी कहती थी अभी तक तो हम काम कर रहे थे लेकिन मुझे हटा के किसी और को रख लिया गया है। तो मैं कहती थी भाई पहले वाली जो शिकायत है, आप कहती हैं कि इतने कम में कैसे जीवन यापन करें, तो अगर हटा दिया गया है तो कुछ और आप काम कर लें। तो ये कहती थी नहीं, बच्चों को भोजन करा के जो मानसिक संतोष मिलता है पैसे का, उसके आगे कोई मूल्य नहीं है। लेकिन आज आपकी मैं व्यक्त करना चाहती हूँ आभार आप सबकी तरफ से मुख्यमंत्री जी को, इन्होंने रसोइयों के कार्यक्रम में आकर आपकी अमूल्य सेवाओं के बदले आपका उत्साहवर्धन तो किया है, और साथ ही साथ आपके अंदर और ऊर्जा का संचार करेंगे ताकि आप और प्रेम और उत्साह के साथ नन्हे मुन्नों को भोजन खिलाकर उन्हें बड़ा करके देश का एक सच्चा नागरिक बनाने के कर्तव्य का निर्वहन कर सकें। मैं आभारी हूँ आदरणीय मुख्यमंत्री जी की, आभार आपका संत ऋषि परंपरा का वंदन हो, आभार आपका आप सुख सौभाग्य समृद्धि का नंदन हो, आभार आपका आप दलित वंचित पिछड़े गरीबों महिलाओं का अभिनंदन हो, आभार आपका आप यूपी के माथे का चंदन हो। और मैं अपने समस्त बेसिक शिक्षा विभाग के साथ साथ अपने रसोइयों के साथ भी इस बात की शपथ लेती हूँ कि आपके इस चंदन की महक को हम कभी धीमा नहीं पड़ने देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश आपका। और हमारे बीच में हमारे परम आदरणीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी मौजूद हैं। मैं उनसे विनम्र अनुरोध करूंगी कि अपने आशीर्वचनों से हमें अनुग्रहित करें। योगी जी के नेतृत्व में बच्चों का कल्याण पढ़ लिख कर करना इन्हें नवभारत का निर्माण। मैं प्रदेश अध्यक्ष जी से निवेदन करूंगी कि अपने
वचनों से हम सबको अनुग्रहित करें। उत्तर प्रदेश के एक लाख 66,832 राजकीय परिषदीय विद्यालयों में हम बच्चों को भोजन कराने वाली आप सभी माँ स्वरूपा रसोइयों जो यहाँ पधारी हैं उनके कार्यक्रम में और यहाँ आप आई हैं और आपके साथ साथ अनेक ब्लॉकों में आपकी और जो बहनें हैं उन तक ये बात पहुँच रही है। इस बहुत बृहद आयोजन में देश के सबसे बड़े राज्य के इस आयोजन में आपके बीच उत्तर प्रदेश के यशस्वी लोकप्रिय बहुत ही ऊर्जावान मुख्यमंत्री देश की बहुत ही प्रतिष्ठित पीठ गोरक्ष पीठ के पीठाधीश्वर परम आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी यहाँ पर इस विभाग की राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्रीमती अनुपमा जायसवाल जी इसके राज्य मंत्री श्री संदीप सिंह जी इस विभाग के अपर मुख्य सचिव और बहुत ही तल्लीनता से काम को अंजाम देने वाले अधिकारी श्री प्रभात कुमार जी और इस विभाग के निदेशक अब्दुल समद जी इस काम में लगे अन्य विभागीय अधिकारीगण रसोइया संगठनों से संपर्क के लिए जैसा प्रभात जी ने उल्लेख किया हमने पार्टी के बड़े ही तेजतर्रार प्रदेश मंत्री संजय राय जी को लगाया था। संजय राय जी यहाँ उन संगठनों से जुड़े श्री दयाशंकर यादव जी श्रीमती रेणु शर्मा जी श्रीमती बिमला भारती जी श्री रामचंद्र गौड़ जी सुनील श्रीवास्तव जी तथा अन्य पदाधिकारी मीडिया के सभी सम्मानित साथी तथा यहाँ विभिन्न जनपदों से रसोइया समाज का प्रतिनिधित्व कर रही हमारी सभी आप सब रसोइया बहनें आप सबका मैं अपनी तरफ से और सरकार की तरफ से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। आप सबको बहुत बहुत नमस्कार। आपका एक विशेष रूप से माननीय योगी जी की तरफ से आपको आज आशीर्वाद मिल रहा है क्योंकि जो काम आप करती हैं उस काम में और महाराज योगी आदित्यनाथ जी के आशीर्वाद में एक बड़ी समानता है। आप बच्चों को भोजन कराती हैं और महाराज जी जिस पीठ के पीठाधीश्वर हैं वह पीठ हजारों बरस से और इनके कार्यकाल में उसका और विस्तार हुआ है वो गरीबों को भोजन कराता है। गोरक्ष पीठाधीश्वर ये जो पीठ है वो भी गरीबों को बच्चों को भोजन का काम विशेष रूप से इसका उनके तरफ से आयोजन होता है और ऐसे आयोजन में आप सब उपस्थित हैं। मैं तो केवल आप सबका उत्साहवर्धन करने के लिए और योगी जी का अभिनंदन करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। भाजपा की इस सरकार का जो योगी जी की अगुवाई में बड़ी कुशलता से दो बरस में एक ही महीने का समय शेष है जिस सरकार ने बल्कि उससे भी कम समय इस प्रदेश को हर क्षेत्र में बड़ा गतिशील नेतृत्व दिया है और स्वयं आमंत्रित करके सच्चे अर्थों में जो लोक भवन है ये लोक भवन आज सच्चे अर्थों में लोक सेवा का एक बड़ा ही प्रतीक स्थल बन गया है कि जो लोग कभी सरकार तक अपनी मांगे लाते थे सरकार तक अपनी कठिनाइयां लाते थे बड़े बड़े संघर्ष आंदोलन को करना पड़ता था सरकार उनकी कठिनाइयों का स्वयं सूक्ष्मता से अध्ययन करके और क्रमशः इस लोक भवन में बुला के उनकी समस्याओं का समाधान करके उनको प्रोत्साहन करे। मुझे इस बात की प्रसन्नता है मैं जब सांसद के रूप में चुना गया तो मेरे संसदीय क्षेत्र चंदौली की हमारी रसोइया बहनें हमें मिली उन्होंने जो बताया कि साल में 1,000 रुपया मुझे मिलता है और वो भी 10 महीने तो मैंने कैलकुलेट किया उसको तो
तो वो एक दिन 29 रुपया 17 पैसा पड़ रहा था। संसद में मैंने एक सांसद के रूप में बात उठाई, मेरी बात में संसद की, क्योंकि स्वयं माननीय योगी सांसद और बड़े योग्य सांसद रहे हैं, लगातार 5 बार आप सांसद रहे हैं, संसद में इन्होंने ऐसे ऐसे मुद्दे उठाए हैं जिन मुद्दों पर इस प्रदेश में, इस देश में काम हुआ है। मैं बहुत विस्तार में नहीं जाऊंगा, लेकिन पूर्वी उत्तर प्रदेश के बच्चों में, गरीबों में मस्तिष्क ज्वर की बीमारी, इंसेफ्लाइटिस के मुद्दे को लगातार संसद में उठाते उठाते योगी जी ने ही आज वो समाधान दिया कि आज गोरखपुर में एम्स की स्थापना मोदी जी ने और योगी जी ने मिलकर किया। इतनी जिसे कभी इंसेफ्लाइटिस, जापानी बुखार, कालाजार, जो जो नाम, ये सारी बीमारियों, ऐसे इनके अनेक संसद में मुद्दे इनके द्वारा हैं जो उठाए गए हैं। तो संसद के मुद्दों का अपना महत्व वो अच्छी तरह जानते हैं। मैंने जब मुद्दा उठाया, माननीय योगी जी और सभी लोग जाने, तो सुमित्रा जी की आंखों में आंसू भरा कि मात्र 29 रुपये 17 पैसा एक दिन का पड़ता है एक रसोईया। तो बाद में हमें अलग से बोली कि फिर वो काम क्यों करती है। हम कहा उनका दो ही काम है, एक तो उनके मंदिर जैसा अनुपमा जी ने कहा उनके अंदर मातृभाव है कि बच्चों को अपने हाथ से बना के खिलाती हैं तो उनको संतोष होता है, दूसरा हो सकता है कुछ बचा हुआ भोजन अपने बच्चों के लिए पा जाती हूँ, इससे अधिक कुछ नहीं होता है। मुझे प्रसन्नता है उनकी हमारी उस संसद में उठाई बात को, स्वयं अपने अनुभवों से योगी जी ने जो भ्रमण करते रहते हैं, प्रदेश के सबसे सक्रिय मुख्यमंत्री, लोग कहते हैं नारा था सरकार जनता के द्वार, योगी जी हर क्षण जनता के द्वार अपनी सरकार लेकर उपस्थित रहते हैं। शायद उत्तर प्रदेश के जब से यह राज्य गठन हुआ है, प्रथम मुख्यमंत्री गोविंद वल्लभ पंत से लेकर आज तक, अगर गिनीज बुक वर्ल्ड में दर्ज करना होगा तो सबसे अधिक मुख्यमंत्री जनता के बीच स्वयं उपस्थित होने का कोई रिकॉर्ड है योगी आदित्यनाथ के साथ। तो उस अपने भ्रमण से जो जानकारी उन्होंने हासिल की वो, और हम सब ने जो विषय उठाया उसका प्रतिफल है कि उन रसोइयों की आवाज़ को योगी जी उनकी सरकार ने सुना, उनके इस बेसिक शिक्षा विभाग, इस काम को देखने वाले विभाग ने सुना, और आज वो स्वयं अपने श्री मुख से आप सबका उन कठिनाइयों का समाधान बताएंगे। मेरे लिए तो प्रसन्नता का विषय है कि संसद में जो मुद्दा उठाया, आज सरकार के साथ मैं भी एक पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में, सरकार जो सरकार, जिस पार्टी की सरकार है, एक सहयोगी भूमिका में हूँ, इसको एक अंजाम देने का अवसर मिला, मुझे इस बात का संतोष है। मैं आप सबको शुभकामना देते हुए इतना ही अपील करना चाहूँगा, यह जो प्रोत्साहन है, इस प्रोत्साहन को मिलकर सरकार के साथ और बच्चों को अपना बच्चा समझ के, आप जो उद्देश्य है, इस उद्देश्य को पूरा करने में आप सब बहुत ही योगदान करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत आदरपूर्वक नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्री महेंद्रनाथ पांडे जी आपका। आपके लिए मैं इतना ही कहूंगी, बच्चों के वो खुद हुए इतना अधिक समीप, बच्चों के वो खुद हुए इतना अधिक समीप, मंत्री जी महेंद्र जी ने जला दिए नवदीप, मंत्री श्री महेंद्र जी ने जला दिए नवदीप। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं आमंत्रित करूंगी, ससम्मान आमंत्रित करूंगी परम आदरणीय यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी को। आपके आशीर्वचनों के हम सब आकांक्षी हैं और अनुग्रहित करें अपने आशीर्वचनों से हमको। सभी लोग बैठ जाएं, खड़े नहीं रहे, बैठ जाइए, आप लोग बैठ जाइए, बैठ जाइए, आप सब लोग स्थान ग्रहण करें। आज के सर शांत हो जाइए, प्लीज प्लीज। आज के सर सम्मेलन में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और माननीय सांसद डॉक्टर महेंद्रनाथ पांडे जी, प्रदेश सरकार में मेरे मंत्रिमंडल के सहयोगी मंत्रीगण, श्रीमती अनुपमा जायसवाल जी, श्री संदीप सिंह जी, अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा डॉक्टर प्रभात कुमार जी, निदेशक मध्याह्न भोजन प्राधिकरण से अब्दुल समद जी,
बेसिक शिक्षा विभाग के सभी अधिकारीगण और आज के इस मिड डे मील से जुड़े हुए प्रदेश के सभी उपस्थित माताएं बहनें, आप सब आज यहां पर उपस्थित हुए हैं। मैं प्रदेश सरकार की ओर से आप सबके द्वारा जो सेवाएं मिड डे मील और बेसिक शिक्षा विभाग को दी जा रही हैं, इसके लिए आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। रसोइयों से जुड़ी हुई समस्या, यह एक व्यवस्था प्रदेश के अंदर चली आ रही है, पूरे देश के अंदर भी मिड डे मील की व्यवस्था इसी क्रम में संचालित है। स्वाभाविक रूप से उत्तर प्रदेश के अंदर अपने सीमित संसाधनों से इस व्यवस्था को और कैसे प्रभावी बनाया जा सके, इसी पर चर्चा करने के लिए आप सब के बीच में यहां पर हम लोग उपस्थित हुए हैं। हम सबको इस बारे में सोचना होगा कि हमारी कोई भी बात और हमारे कोई भी कार्य नियम और कानून के दायरे में ही पूरे हो सकते हैं। जब भी हम उस नियमों को तोड़ने का प्रयास करेंगे, उन नियमों से अलग कोई एक लाइन बनाने का प्रयास करेंगे, तो न्यायालय फिर उसको रोकने का कार्य भी करेगी और समय समय पर न्यायालय इन सब कार्यों के लिए सदैव सचेत भी रहा है। आज पूरे देश में एक नया परिवर्तन दिखता है। विगत 4.5 वर्षों के दौरान इस देश में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो परिवर्तन देखने को मिला है, जिस प्रकार से आम जन के जीवन में व्यापक परिवर्तन लाने का प्रयास हुआ है, आम जन के जीवन स्तर को उठाने और शासन की योजनाओं को उन तक पहुंचाने का कार्य हुआ है, उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए प्रदेश के अंदर असंगठित क्षेत्र के उन कामगारों को जो अपनी सेवाएं प्रदेश के अंदर देते हैं, भले उनकी सेवा 1 घंटे की हो, 2 घंटे की हो, लेकिन सबका अपना योगदान है, जिनके कारण से प्रदेश विकास के एक नए प्रतिमान को स्थापित कर रहा है, उस दृष्टि से आज यह सम्मेलन यहां पर प्रदेश के उन चुनिंदा रसोइयों को बुला करके यहां पर आयोजित किया गया है। आप सब देख सकते हैं कि केंद्र और प्रदेश सरकार की बहुत सारी ऐसी योजनाएं जिनका लाभ पहले कभी आपको नहीं मिलता था, लेकिन आज मिलना प्रारंभ हुआ। एक गरीब को, एक किसान को, एक नौजवान को, एक मजदूर को या समाज के किसी भी वर्ग से जुड़े हुए व्यक्ति को, उसके पीछे का उद्देश्य ही यही है। सरकार का मतलब यही है, लोकतंत्र का उद्देश्य भी यही है कि शासन की कल्याणकारी योजनाएं आम जन तक पहुंचे और बिना भेदभाव के एक गरीब, एक किसान, एक नौजवान, एक महिलाएं और एक समाज का प्रत्येक तबके का व्यक्ति इन योजनाओं से आच्छादित होकर के बेहतर तरीके से इन योजनाओं का लाभ प्राप्त कर सके। मुझे बताया गया कि प्रदेश के अंदर हमारे पास 1,68,000 से अधिक विद्यालय हैं। 1,68,000 से अधिक विद्यालयों में 1,76,00,000 से अधिक बच्चे पढ़ते हैं। 1 से 8वीं तक के इतनी बड़ी संख्या में बच्चे उन विद्यालयों में पढ़ने के लिए जाते हैं। उन सभी बच्चों को
मिड डे मील में उनके शारीरिक और मानसिक विकास की दृष्टि से उत्तम भोजन प्राप्त हो सके, एक बहुत बड़ी योजना है। और योजना ही बड़ी नहीं बल्कि इसके पीछे की पवित्रता, और उस पवित्रता के पीछे माँ समूह बना करके जिस प्रकार से उसको और भावनात्मक तत्व देने का प्रयास उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद ने किया है, वो आप सबके महत्व को और ज़्यादा बढ़ा देता है। आज हम सब इसीलिए आपके बीच में बैठे हैं। याद करिए, इस देश के अंदर एक प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी भी थे, जिन्होंने कभी कहा था कि हम गरीब के लिए 100 रुपया भेजते हैं लेकिन वो पैसा गरीब तक पहुंचता नहीं, केवल 10 ही रुपया पहुंचता है, 90 रुपया बीच में कौन खा जाते थे, लाचार भी थी, वो कुछ नहीं कर पा रहे थे। लेकिन आज के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं जो कहते हैं 100 रुपया भेजूंगा तो गरीब के पास जाएगा, क्योंकि अब तो सीधे उसके अकाउंट में पैसा जा रहा है। जब आपके खाते में पैसा सीधे चला जाएगा तो बीच में कोई सेंधमारी नहीं कर पाएगा, और इस सेंधमारी को रोकने का कार्य किया है देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने, और इसलिए मोदी जी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करना इस देश के हर गरीब, हर किसान, हर नौजवान, महिलाएं, समाज के हर व्यक्ति का अधिकार ही नहीं कर्तव्य भी होना चाहिए। आप में से इतनी बड़ी संख्या में रसोइया यहाँ पर मौजूद हैं, मिड डे मील में आप बेसिक शिक्षा के विद्यालयों में रसोई बनाते होंगे, लेकिन आप मुझे एक बार बताइए कि आप में से कितने लोगों को अपने घर में उज्ज्वला योजना का रसोई गैस का निःशुल्क कनेक्शन मिला, थोड़ा हाथ खड़ा करके मुझे बताइए। महिलाओं को, जिन महिलाओं को उज्ज्वला योजना में रसोई गैस का कनेक्शन मिला, बहुत सारी महिलाओं को प्राप्त हुआ है, ये प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण संभव हो पाया, अन्यथा ये रसोई गैस के कनेक्शन के लिए 20,000-25,000 रुपया खर्च करने के बाद भी रसोई गैस का कनेक्शन नहीं मिलता था, और आज हर गरीब परिवार को एक एक रसोई गैस का निशुल्क कनेक्शन दिलाने का कार्य अगर किसी ने किया है तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है, और मुझे लगता है यह जो कार्य अन्यों के लिए नामुमकिन था, क्योंकि वे तो पैसा देने के बाद भी कनेक्शन नहीं दे पा रहे थे, मोदी जी ने उसको मुमकिन बनाया है, और आम गरीब के लिए तो उसको निःशुल्क भी कर दिया है। तो नामुमकिन को मुमकिन बनाने का कार्य किसी ने किया है तो मोदी जी ने किया है, और उससे प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में रसोई गैस का कनेक्शन प्रत्येक गरीब तक पहुंचे, यह सरकार की मंशा रही है। सरकार का मतलब कुछ चुनिंदा लोगों का, कुछ चुनिंदा परिवारों का, कुछ चुनिंदा जातियों का समूह नहीं हो सकता। सरकार का मतलब समाज के हर वर्ग का उसमें प्रतिनिधित्व भी हो, और बिना भेदभाव के शासन की किसी भी योजना का लाभ किसी व्यक्ति, किसी जाति, किसी वर्ग विशेष के लिए न होकर के समाज के हर तबके के लिए हो, यह सरकार का उद्देश्य होना चाहिए। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो स्कीम चलाई है या प्रदेश से हम जो योजनाएं चला रहे हैं उन सब का उद्देश्य यही है। दूसरा कार्य आपने देखा होगा, स्वच्छ भारत मिशन में हर परिवार को प्रयास किया गया कि एक एक शौचालय प्रत्येक परिवार के घर में बन जाए। ये शौचालय गरीबों के घर में बने, यह इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिन बीमारियों का कारण खुले में शौच है या गंदगी है या अशुद्ध पेयजल है। हम बार बार इस बात को कहते रहे हैं कि बीमारी का खर्चा अगर आप स्वच्छता के प्रति थोड़ा ध्यान दे दें और शुद्ध पेयजल का इस्तेमाल करें तो
आपकी आधे से अधिक बीमारियां स्वतः समाप्त हो जाती हैं। आधे से अधिक बीमारियां वैसे ही समाप्त हो जाएंगी, यानी दवा का जो आपका खर्चा है महीने में, किसी का 100 रुपया, किसी का 50 रुपया, किसी का 200 रुपया, किसी का 1000 रुपया, ये खर्चा अपने आप कम हो जाएगा। जब व्यक्ति बीमारी नहीं होगा तो दवाई क्यों लेनी है। और इस दृष्टि से स्वच्छ भारत मिशन ने हर परिवार को एक एक शौचालय देने का कार्य प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। आप में से बहुत सारे परिवारों में भी एक एक शौचालय बना होगा। कितने परिवारों का बना है, थोड़ा हाथ खड़ा करके दिखाओ मुझे। देखिए बहुत सारे लोगों को बना है, जिनका नहीं बना होगा उनको भी पैसा देने जा रहे हैं हम लोग। सबके घर में बनेगा, कोई छूटने नहीं पाएगा। ये सोची जब बनी थी तब न केंद्र में हमारी सरकार थी न प्रदेश में सरकार थी, बहुत सारे लोग छूट गए थे। उज्ज्वला योजना में रसोई गैस का कनेक्शन तो हम लोगों ने पहले ही तय कर दिया है, जिनका नाम सूची में होगा उनको तो मिलेगा ही, जिनका नाम नहीं होगा और उनके परिवार के किसी सदस्य को नहीं मिला होगा तो उनको भी हम रसोई गैस का निःशुल्क कनेक्शन उपलब्ध कराएंगे। ऐसे ही स्वच्छ भारत मिशन में उन परिवारों को एक एक शौचालय हर एक परिवार को भी उपलब्ध कराएंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना में जब हम लोग आए थे तब प्रदेश के अंदर बहुत कम लोगों को इस सुविधा का लाभ मिल पाया था, और आज प्रदेश की एक बड़ी आबादी, मान के चलिए कि आज ही मेरे पास जो ग्रामीण क्षेत्र के आंकड़े आए हैं वो लगभग 12 लाख से ऊपर आवास हम ग्रामीण क्षेत्र में दे चुके हैं और 11,06,000 आवास हम शहरी क्षेत्र में उपलब्ध करा चुके हैं। आप अनुमान करिए कि 23 लाख परिवारों को 23 महीनों में हम लोगों ने आवास उपलब्ध कराने का कार्य किया है। आप में से बहुत सारे परिवारों को भी प्रधानमंत्री आवास उपलब्ध हुआ होगा। प्रधानमंत्री आवास योजना में ग्रामीण क्षेत्र में 1,20,000 रुपये, 12,000 रुपये शौचालय के लिए अलग से और 15,900 के आसपास रुपया हम को उपलब्ध करा रहे हैं मनरेगा की मजदूरी के बराबर, 90 दिन की मजदूरी। शहरी क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना में 2,50,000 रुपये हर एक लाभार्थी को उपलब्ध कराया जा रहा है। अभी एक कार्यक्रम और घोषित हुआ, आपको प्रधानमंत्री जी का पत्र प्राप्त हुआ होगा। आयुष्मान भारत में एक वर्ष में गरीब परिवार के लिए 5,00,000 रुपये तक की निःशुल्क स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध कराने का, प्रधानमंत्री जी का स्वास्थ्य का कार्ड यानी पत्र कितने लोगों को प्राप्त हुआ है, कुछ लोग बताएंगे कितने लोगों को प्रधानमंत्री जी का पत्र प्राप्त हुआ है। आयुष्मान भारत में उस पत्र को लेकर के आप कहीं जाएंगे तो 5,00,000 की स्वास्थ्य की सुविधा आपको या आपके परिवार को स्वतः ही मिलती हुई दिखाई देगी। जो लोग बचे हैं उन लोगों को हम लोगों ने प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत लिया है, उन लोगों को भी एक एक पत्र हम उपलब्ध करा रहे हैं और गोल्डन कार्ड भी जारी कर रहे हैं, जिससे वे लोग किसी भी सरकारी हॉस्पिटल में या इम्पैनल्ड हॉस्पिटल में अगर उस कार्ड को लेकर के या पत्र को लेकर के जाएंगे तो उनको और उनके परिवार के लोगों को स्वास्थ्य की निःशुल्क सुविधा वहां प्राप्त होगी। एक गरीब के लिए, जिस गरीब में के पास पैसा नहीं, जिसने पैसा नहीं देखा है 5,000 रुपया 10,000 रुपया, जिसने एक मुश्त नहीं देखा है, उसके परिवार में अगर कोई व्यक्ति बीमार हो जाता था तो बीमार होने के बाद वह व्यक्ति अपने खेत को गिरवी रखता था या परिवार में अगर किसी के पास जेवर है तो उस जेवर को बेचने के लिए मजबूर होता था। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने व्यवस्था कर दी कि अब आपको अपने परिवार में किसी सदस्य के जेवर को, कीमती वस्त्रों को, कीमती जो उपहार हैं उनको गिरवी नहीं रखना पड़ेगा, अपने खेत को गिरवी नहीं रखना पड़ेगा, बल्कि आप जाएंगे और सरकार के पैनल में जो हॉस्पिटल हैं उनमें कहीं भी आप जाएंगे, किसी भी देश के अंदर किसी भी उस हॉस्पिटल में जाएंगे जो उस सूची में हैं, तो आपको निःशुल्क
5 लाख रुपए तक की स्वास्थ्य सुविधा एक वर्ष में प्राप्त होगी, कोई आपको मना नहीं कर सकता। ये कार्य पहले भी हो सकते थे, लेकिन पहले सोच नहीं थी, पहले लोग करना नहीं चाहते थे, पहले के लोगों की वो दृष्टि नहीं थी। गरीब के बारे में नारे जरूर थे, गरीब के बारे में घोषणाएं जरूर थी, लेकिन गरीबों के लिए कल्याणकारी योजनाएं लागू हों इसके बारे में कभी भी उन लोगों ने कोई सार्थक पहल नहीं किया। और यही कारण है कि जिसने गरीबी देखी नहीं है वह गरीबी के बारे में क्या चर्चा करेगा। आज प्रदेश के अंदर आप जैसे रसोईया 1,77,000 बच्चों को मिड डे मील में बहुत उत्तम भोजन, अलग अलग दिन अलग अलग प्रकार का मेनू उपलब्ध कराने का कार्य कर रहे हैं। एक बहुत बड़ा कार्य है, अपने आप में बहुत बड़ा कार्य है, लेकिन इसके पीछे की जो भावनाएं हैं, आप भोजन जितनी तन्मयता के साथ और जितने भावनात्मक लगाव के साथ आप उस भोजन को बनाएंगे उतना ही वो स्वादिष्ट भी होगा। और एक बड़ी संख्या आपके साथ स्वाभाविक रूप से जुड़ती हुई दिखाई देगी। मुझे प्रसन्नता है कि बहुत बड़ी संख्या में प्रदेश के अंदर जो रसोईया हैं इनके द्वारा अपनी सेवाएं प्रदेश के अंदर प्रदान की जा रही हैं। आज यहां पर जो कुछ योजनाएं हैं, जिन योजनाओं के माध्यम से इन रसोइयों को लाभान्वित किया जा सकता है, अभी प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक योजना घोषित की, प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना, जिसमें असंगठित क्षेत्र के जितने भी कामगार हैं, जितने भी रजिस्टर्ड श्रमिक हैं, उन लोगों को जिनकी उम्र 18 से लेकर के 40 के बीच में है, अगर प्रतिमाह वह 55 रुपये से लेकर के 200 रुपया जमा करेंगे, उम्र के हिसाब से होगा, भाई जो 18-19 साल का है वह केवल 55 ही रुपया भरेगा, जो 35-36 वर्ष का है उसको 200 रुपया भरना पड़ सकता है, और प्रतिमाह भरेंगे इतना ही अंशदान भारत सरकार उनकी तरफ से भरेगी। तो जब वे 60 साल के होंगे तो 60 साल का होने के बाद उन्हें 3,000 रुपये कम से कम पेंशन की सुविधा प्राप्त हो जाएगी, यानी रिटायरमेंट के बाद 3,000 रुपये की पेंशन उन्हें मिलती हुई दिखाई देगी, बुढ़ापे का एक सहारा उन्हें प्राप्त होगा। और मैं चाहूंगा कि बेसिक शिक्षा विभाग प्रयास करें कि 18 से 40 के बीच के उन सभी रसोइयों को इस योजना से आच्छादित करने की कार्रवाई होनी चाहिए, जिसमें ये अधिक से अधिक रसोईया प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना के अंतर्गत इन लोगों को उस योजना का लाभ प्राप्त हो सके। एक बहुत अच्छी योजना है, एक गरीब के लिए, एक श्रमिक के लिए, एक मजदूर के लिए, एक किसी किसान के लिए, या फिर समाज के उन लोगों के लिए जो असंगठित क्षेत्र के हैं। मैंने कहा है रसोइयों को, आंगनबाड़ी को, आशाओं को, रोजगार सेवकों को, होमगार्ड को, पीआईडी के जवानों को, इन सभी को इस योजना से आच्छादित किए जाने की आवश्यकता है, जिससे ये लोग इन योजनाओं का लाभ ले सकें। आप में से जितने भी रसोई आए होंगे, बहुत सारे लोग किसान परिवार से भी जुड़े होंगे। प्रधानमंत्री मोदी जी ने अभी हाल ही में एक योजना आगे बढ़ाया है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की योजना। जो किसान होंगे उनके खाते में पहली किस्त का पैसा 2,000 रुपये का उनके मोबाइल फोन में SMS से संदेश के साथ आया होगा और उनके खाते में 2,000 रुपया स्वयं पहुंच गया होगा। यानी यह अपने आप में कैसी योजनाएं हैं जिन योजनाओं के माध्यम से एक गरीब को, एक किसान को और ऐसे ही जुड़े हुए उन सभी लोगों को आच्छादित किया जा सकता है जिन्होंने अब तक सही मायने में, जिसको हम ये मानते हैं कि जिनको योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए था लेकिन जानकारी के अभाव में या फिर अन्य कारणों से उन्हें ये लाभ नहीं मिल पाया, और इसलिए बेसिक शिक्षा विभाग इन कार्यों को
प्राथमिकता के आधार पर आगे बढ़ा दें तो जैसे आंगनबाड़ी को, जैसे आशाओं को, जैसे रोजगार सेवकों को, होमगार्ड और पीआरडी के जवानों को इस सुविधा का लाभ देने की कार्रवाई हो रही है, ऐसे ही रसोइयों को भी इस योजना से जोड़ करके भारी संख्या में उन्हें लाभान्वित किया जा सकता है। एक जो विषय है, अक्सर हमारे सामने जो एक बात की चर्चा होती थी कि रसोइयों को जो अब तक मानदेय मिलता है, ये मानदेय देने में लोग कभी कभी गड़बड़ करते हैं, देर में देते हैं, देते ही नहीं थे। और इस कार्य को लेकर के हमने इस बात को कहा है कि अच्छा होगा सभी रसोइयों के बैंक में अकाउंट खोल दिए जाएं। वैसे जनधन योजना में आप में से ज्यादातर लोगों ने अपने अकाउंट खोले होंगे। कितने लोगों के बैंक में अकाउंट हैं? आप लोगों के खाते कितने लोगों के हैं? तो बहुत ज्यादा लोगों के हैं। अच्छा है, जिन लोगों के नहीं उन सबके बैंक के अकाउंट खोल दिए जाएं। और बैंक का अकाउंट खोलने के बाद उन लोगों के खाते में सीधे अब जो भी हम मानदेय दें वो पैसा सीधे आरटीजीएस से उनके खाते में दिया जाना चाहिए और ये प्रत्येक महीने के पहले सप्ताह में उनके खाते में पैसा जाना चाहिए। क्योंकि ये पैसा जब उनके खाते में जाएगा तो कोई उनका शोषण नहीं कर पाएगा, किसी भी प्रकार से उनके शोषण को आप रोक देंगे। और उस दिन से ये पैसा उनके खाते में देने के लिए ही प्रधानमंत्री जी ने जनधन अकाउंट की योजना लागू की थी, प्रधानमंत्री जनधन योजना। आप सोचिए 36 करोड़ परिवारों के पास अपने खाते नहीं थे, उन लोगों के पास एक एक बैंक का खाता खोलने का कार्य मोदी जी की जनधन योजना ने आगे बढ़ाया। और आज जनधन योजना का कारण है कि आपको रसोई गैस का सब्सिडी मिलना है, पैसा सीधे आपके खाते में जाएगा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का पैसा मिलना है, पैसा सीधे आपके अकाउंट में जाएगा। आपको प्रधानमंत्री आवास योजना में पैसा मिलना है, पैसा आपके अकाउंट में जाएगा। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत अगर आपके लिए शौचालय स्वीकृत हुआ है तो पैसा आपके खाते में जाएगा। ये नकद लेन देन समाप्त, सारा पैसा आपकी मेहनत का आपके पास सीधे चला जाएगा। यह एक व्यवस्था इसके साथ की जा रही है। इसके अलावा रसोइयों को हर एक सत्र में बदल दिया जाता था और फिर एक नया ऐड होता है, फिर उसके अनुसार उनसे आवेदन लिया जाता है, उसके बाद फिर उनकी नियुक्ति की प्रक्रिया में लोग मनमानापन करते हैं। हम लोगों ने एक बात कही है कि प्रत्येक वर्ष चयन करके जिनका कार्य संतोषजनक है, संतोषजनक कार्य होने के साथ ही उनके नवीनीकरण की कार्रवाई उसी के साथ कर देनी चाहिए। यानी आवश्यक नहीं कि हर साल उनको हटाओ, फिर विज्ञापन हो, फिर वह किसी की कृपा से फिर उनको रखा जाए। और मैं आपसे कहूंगा कि हर विद्यालय में जो मां समूह बना हुआ है उसकी बहुत बड़ी भूमिका है। याद रखना ये मां संबोधन अपने आप में बहुत पवित्र संबोधन है। हमारा शास्त्र भी इस बात को कहता है, कुपुत्रो जायेत कुमाता न भवती। और मुझे लगता है इस बात को ध्यान में रखना कि कुपुत्र तो हो सकता है लेकिन कुमाता नहीं होती है। इस बात का लिहाज आपको रखना पड़ेगा। और इसलिए इस बात को लेकर के कि उस मास समूह के ऊपर जो जिम्मेदारी है, भोजन की शुद्धता, सुरक्षा और बिना भेदभाव के हर बच्चे को परोस देना, इस जिम्मेदारी का निर्वहन करने के लिए आपको जहां कार्रवाई करनी होगी वहीं सुरक्षा के मानकों को देखना पड़ेगा, शुद्धता का ध्यान रखना पड़ेगा। और इस दृष्टि से एक व्यवस्था की जा रही है कि प्रत्येक रसोइयों को हम लोग एप्रन और ग्लव्स भी दें। अब तक होता क्या था कि आप जो भोजन परोसती रही होंगी, भोजन बनाती समय आपके पास कभी दाल या कोई सामग्री आप बना रही हैं तो उसके छींटे आपके कपड़ों पे पड़ते होंगे, या और भी वहाँ पर साफ सफाई करते समय अगर एप्रन रहेगा तो एप्रन ही गंदा होगा, आपके वस्त्र शेष गंदे नहीं होंगे,
इस दृश्य एप्रन की एक व्यवस्था प्रत्येक रसोइयों के लिए उपलब्ध हो और साथ साथ गर्म बर्तन को उठाने के लिए हाथ में ग्लव्स आदि हों, तो उस दृश्य ग्लव्स भी देना और एप्रन देने की व्यवस्था भी प्रत्येक रसोइयों को उपलब्ध कराने के लिए बेसिक शिक्षा विभाग से व्यवस्था की जा रही है। और जो सबसे बड़ी बात यह है कि रसोइयों के मानदेय को बढ़ाने के लिए भी मुझे लगता है कि देखिए अभी तक आपको केवल 1000 रुपये मानदेय मिलता है और हम लोग एक बात इस बात को तय कर रहे हैं कि 1000 रुपये का जो मानदेय है या 1000 रुपये के मानदेय को तत्काल प्रभाव से हम लोग 1500 रुपये कर रहे हैं और इसको हम सीधे आपके अकाउंट में भेजने की व्यवस्था करेंगे जिससे आपको बाकी कहीं चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। क्योंकि अक्सर होता है कि लोग इससे परेशान होते हैं। आराम से बैठे आराम से बैठिए आराम से बैठे पहले आपको हम बता रहे हैं ₹1500 मान दे और वह भी आपके अकाउंट में जब पैसा जाएगा तो आपको उसके लिए भटकना नहीं पड़ेगा। और दूसरा, नवीनीकरण की प्रक्रिया से आपके चयन की प्रक्रिया, अगर आप कार्य कर रहे हैं तो कार्य करने के दौरान इस बात को ध्यान देना कि देखे बैठे आप पहले नहीं, अगर आप सब लोग अपने स्थान पे बैठ जाइए प्लीज। अगर आपको लेना नहीं तो मना कर दीजिए कि नहीं लेना है। आपसे विनम्र अनुरोध, आपको मिलना वही पे संतोष कर देते हैं। क्यों संतुष्ट हैं 1000 रुपये में? 1000 में संतुष्ट हैं तो 1500 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए ना। तो मिड डे मील में प्रदेश सरकार इसको उस रूप में बढ़ा रही है और इसमें कोई अतिरिक्त पैसा कहीं से नहीं, राज्य सरकार अपने स्रोतों से ये पैसा आपको उपलब्ध करा रही है। इसलिए इन चीजों में अनावश्यक रूप से वह करने की बजाय जो पहले मिल रहा है उसको स्वीकार करके हुए अपने आप को साबित करिए कि आप अच्छा कार्य कर सकते हैं। और जब अच्छा कार्य आप कर लेंगे तो स्वाभाविक रूप से हर बार सरकार इसके बारे में आपके लिए सोच करके बेहतर व्यवस्था बनाने का प्रयास करेगी। अभी एक बार में आप सारी चीजों को करेंगे तो प्रधान आपकी छुट्टी कर देगा, आपका सिलेक्शन ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसके बाद तो फिर लोग अपने अपने लोगों को भरना प्रारंभ कर देंगे। पहले अपने को मजबूत कर लीजिए और अपने को मजबूत करने के बाद अपने कार्यों के माध्यम से अपने आप को साबित कर लें। और जब आप अपने आप को साबित कर लेंगे कि आपका कार्य संतोषजनक है, इस कार्य के माध्यम से आपके सबसे पहला कार्य तो हम इसी बात को करना चाहते हैं कि आप जब इस योजना के साथ जुड़ेंगे तो योजना में हर साल विज्ञापन के माध्यम से चयन की प्रक्रिया से आपको मुक्त किया जा रहा है, किया जा रहा है कि आप अगर रसोइया हैं तो आपको जो प्रक्रिया है उसमें नवीनीकरण की प्रक्रिया स्वतः ही अगले सत्र में आपकी हो जाएगी। और इस नवीनीकरण की प्रक्रिया के साथ दूसरा जो कार्य इसमें करने का प्रयास हो रहा है वह प्रयास ये, इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाते समय पैसे के लिए आपको फिर इधर उधर भटकना ना पड़े। अगर आपका नाम एक बार रसोइया के रूप में आ गया है तो अब पैसा आपके खाते में स्वतः ही चला जाएगा, जिससे आपको चेक के लिए या पैसे के लिए किसी के घर में प्रधानाचार्य या प्रधान के पास जाने के लिए मजबूर न होना पड़े। अगर आप कार्य कर रहे हैं स्वतः ही आपके खाते में पैसा जाता हुआ दिखाई देगा। तो जहां पर ये पारदर्शी व्यवस्था बनाई जा रही है, ये इस बात को लेकर बनाई जा रही है क्योंकि वैसे प्रक्रिया ये है कि इसमें हर साल चयन हो, एक
दूसरी व्यवस्था इसमें यह है कि जिनके बच्चे वहां पढ़ते हैं वही रसोईया होंगे, दूसरा नहीं हो सकता। तो इन चीजों से गुजरना पड़ेगा और उन स्थितियों में ये अस्थाई पद नहीं होता है, परमानेंट नहीं होता है। एक घंटे के लिए गए कार्य करके फिर वापस अपने घर को वापस चले आए। और इस दृष्टि से एक व्यवस्था दी जा रही है और उस व्यवस्था को आप लोगों को इस रूप में स्वीकार करना चाहिए। मैं एक बार पुनः आप सभी रसोइयों को जो आज यहाँ पर मानदेय आपका बढ़ाया जा रहा है, बहुत सारी सुविधाएं आपको दी जा रही हैं, आपको इन सुविधाओं के माध्यम से अब सीधी सुविधा का लाभ प्राप्त हो सके, इसके लिए जो प्रक्रिया यहाँ पर अपनाई गई है, इस पूरी प्रक्रिया के लिए आप सबको मैं बधाई देता हूँ, अपनी शुभकामनाएं देता हूँ और विश्वास व्यक्त करता हूँ कि आप सब पूरी तन्मयता के साथ अपने कार्यों को अपने बेसिक शिक्षा के विद्यालयों में करेंगे। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं, धन्यवाद, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद परम आदरणीय सम्माननीय यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी आपका, आपके वचनों से हम सब कृतार्थ हुए। और अब वक्त है जिस पल का इंतजार था आपको, आपको माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा एप्रन और ग्लव्स का वितरण आज होना है यहाँ पर। और इस कड़ी में मैं जिन जिनका नाम लूँगी वो लोग मंच पे आएंगे और अपना सम्मान ग्रहण करेंगे। इस कार्य में सहयोग के लिए मैं आवाज़ देना चाहूँगी श्री मुमताज अहमद, श्री अमित कुमार श्रीवास्तव, श्रीमती निधि शर्मा को। नाम मैं अनाउंस कर रही हूँ, जनपद लखनऊ गोसाईगंज से श्रीमती लीलावती, श्रीमती सीता सिंह, श्रीमती नंदिनी, ये रसोइयों के नाम है। विद्यालय का नाम है प्राथमिक विद्यालय पहाड़ नगर श्रीमती लीलावती, श्रीमती सीता सिंह प्राविधिक विद्यालय सठवाड़ा, श्रीमती नंदिनी पूर्व माध्यमिक विद्यालय सिकंदरपुर। बीकेटी से विकास खंड से श्रीमती कंचन सोनी, प्राथमिक विद्यालय बसहा। उन्नाव नगर क्षेत्र से सुश्री किरण हाकिमटोला, सिकंदरपुर करण से सुश्री रेणु, प्राथमिक विद्यालय दुर्गापुर खेड़ा। बाराबंकी जनपद से पूरे डलई विकास खंड से श्रीमती रामवती, श्रीमती मीरा, प्राथमिक विद्यालय खेमापुर बिस्तौली और श्रीमती मीरा, माध्यमिक विद्यालय नसीमपुर। सीतापुर जनपद से नगर क्षेत्र सीतापुर से श्रीमती सुनीता, श्रीमती पूजा मिश्रा, प्राथमिक विद्यालय पीएसी, प्राथमिक विद्यालय काशीराम कॉलोनी। तो ये उन रसोइयों के नाम हैं जिनको एप्रन और ग्लव्स माननीय मुख्यमंत्री जी के करकमलों के द्वारा प्रदान किया जा रहा है। और ये बड़े सम्मान का विषय है कि आज हमारे बीच में ऐसे कर्मठ और यशस्वी मुख्यमंत्री मौजूद हैं जिनके, कहते हैं कि जब नियत साफ होती है तो कार्य भी अच्छा होता है। और प्रदेश सरकार की नियत इस मामले में पूरी तरह से साफ है। हमारे सभी रसोइयों का सम्मान माननीय मुख्यमंत्री जी के करकमलों के द्वारा हो रहा है। आप लोग तालियों से जुड़ सकते हैं।